हेलो ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वेस्टलैंड सर्वाइवल। तो आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल दोनों देख लिया होगा, और थंबनेल और टाइटल देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज फाइनली अपना जो ये टैबलेट है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। और आप लोगों में से जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स है जो ये वेस्टलैंड सर्वाइवल की वीडियो जो मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से ये अपना एक हॉर्स सूट ढूंढ रहा था, वो मेरे को नहीं मिल रहा था, जो कि मेरे को कल एक शूट आउट इवेंट में मेरे को मिल चुका है। फाइनली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और ये रहा यहाँ पे, ये एक मेरे पास टार है, बकेट ऑफ टार, जो कि आप लोगों को पता ही है। और ये रहा एक जो अपना फाइनल हॉर्सू, इसको मतलब गेम में हॉर्सू बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम तो भाई यहाँ पे देसी भाषा में तो उसको घोड़े की नाली बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मेरे को बता देना भाई। सो हम आज फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ पे है, ओके। सो या फाइनली अभी हम करते हैं अपना ये फिनिश, और ये आखिरी वाला मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फिनिश। फाइनली नाउ यू कैन राइड अ हॉर्स, न्यू टेरिटोरीज आर अवेलेबल फॉर एक्सप्लोर। फाइनली अपना ये हॉर्स का जो स्टेबलेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, मैं ले लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। और राइट, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आता है। और ये क्लिक, ओके, हमको जगह मिल गई अपने पास इन्वेंटरी में, अब हम हॉर्स में भी सामान रख सकते हैं। और अभी हमको इसको जो हमको ओट्स है हमारे पास इसको हमको देने पड़ेगी ताकि ये रिचार्ज हो सके इसकी एनर्जी, और साथ ही साथ में मेरे को भी हंगर लगी है, सो मैं भी अपनी जो हंगर है उसको फुल कर लेता हूँ थोड़ा चिकन विकन खा के। चिकन तो नहीं, यहाँ पे मीट है, कुक्ड मीट, वो खा लेता हूँ मैं, तीन काफ़ी रह गए, ओके। और थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, और ये मैं जो ओट्स है वो ले लेता हूँ ताकि। और या मेरे पास एक और ये चीज़ है जिसका नाम है ब्लैंकेट, और ये किस काम आती है मैं देख लेता हूँ। वॉर्म एंड कोजी एट एन एसेंशियल आइटम फॉर बंक हॉर्स, ले लेते हैं इसको। आई थिंक ये बूम के लिए, मतलब गर्मी देने के लिए, आई थिंक हॉर्स को, ऐसा मेरे को लग रहा है। बंक हॉर्स लोगों ने लिखा तो है, इसके लिए है क्या आइटम, मेरे को नहीं मालूम। नहीं, इसके लिए तो नहीं लग रहा मेरे को, नहीं इसके लिए नहीं है, कोई बात ना, हम इसको यही दे देते। ओके, एक फीड से, मतलब एक हम इसको मतलब फीड करवाते हैं एक हॉर्स, तो इसकी मतलब 25 जो है एनर्जी इसको मिलती है। सो दे देते अभी के लिए, तो थोड़े 50 हो गई, पूरी कर लेते अभी के लिए तो। ओ भाई, पूरी 500 एनर्जी होती है और हमारे पास 100 होती है, वो अलग से। अभी मतलब हमारे पास हो चुकी है 600 एनर्जी, और मैं थोड़े और ओट्स इसको मैं दे देता हूँ ताकि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए। और इस ब्लैंकेट का क्या काम है मेरे को तो अभी नहीं मालूम, सो इसको मैं रख लेता हूँ अपने वापस इधर स्टोरेज में। सो या अभी हमारे पास अपना हॉर्स आ चुका है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 की जो मिशन से वो स्टार्ट करते हैं, मेन स्टोरी लाइन। सो ले लेते अपनी, यस, चैप्टर 3। रिक इज लुकिंग फॉर मी विथ सम अनग्रेडेड बिजनेस, डेट मीट इज नियर द सैलून यूजली। ले लिया हमने मीट टू रिक, और मैं ये थोड़े ओट्स ले लेता हूँ, हमको 10 ले लेता हूँ अभी के लिए तो। और मैं थोड़े सूट्स भी ले लेता हूँ, थोड़े आर्मर, क्योंकि या मेरे इस आर्मर में कुछ खास अभी के लिए तो चीज़ें नहीं है, ये टूट जाएगा मेरे को जल्दी, मेरे को पता है। सो एक अपनी हेलमेट ले लेता हूँ, टोपी वोपी जो भी आप लोग कहो, और एक जूता भी ले लेता हूँ मैं, ओके डन। और मैं कुछ अपने वो भी ले लेता हूँ, ये टूल्स, एक्स और पिकक्स हो गई, और ये पी डन। और अभी हम चलते हैं सिल्वर टाउन की ओर, हमको रिक से मिलना है। चल मेरे हॉर्स, तेरे साथ ही हम चलते हैं राइड। भाई फाइनली अपने पास अपना हॉर्स आ चुका है, सो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, हम दो तरीके से अभी जा सकते हैं, एक हम रन से भी जा सकते हैं, और
अपने और से भी जा सकती है, लेकिन मैं पहले रन कर लूँगा क्योंकि इसमें अब थोड़ी कम एनर्जी लगती है। और जब भी हमारी ये जो अपनी जो मेन वाली एनर्जी वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में हॉर्स वाली एनर्जी यूज़ करूँगा। अभी तो भाई मेरे को जहाँ जाना मैं वहाँ पे जा सकता हूँ जितनी भी बार, बस अभी हमको हॉर्स चाहिए। और हॉर्स तो मैं ख़रीद लूँगा जो अपनी एक वहाँ पे एक जो हॉर्स का सामान बेचता है उससे, क्योंकि आज मेरे पास वीआईपी बेस भी है। ओ यार क्या एंट्री है भाई, हॉर्स के साथ अच्छी है ये एंट्री, मज़ा आया मेरे को देख कर। ये तो भाई और अच्छी बात है। और मेरे को इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, अभी हमारे जो ये स्टोरेज भी है और ये चार स्टोरेज अलग से आ गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो अभी मिल लेते हैं हम रिक्शे, जो कि हमको मिलेगा यहाँ पे। यार आया रिक भाई, हियर यू आर, आई वॉज जस्ट अबाउट टू आस्क वॉट आर योर प्लान्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। ओके ये पता नहीं हमको, ओके आई थिंक इसको बिजनेस के लिए, मतलब मैं तो ये बंदा आया था गोल्ड की बात कर रहा था जब आया था ये, सो आई थिंक इसी की बात कर रहा करेगा कि भाई पहला ये मेरे को पूछ रहा है कि भाई तेरे आगे के सालों के लिए तेरे क्या प्लान से। हाँ, मैन विल, आई एम ओनली हाफ जोकिंग, आवर फाइट विथ बेचरिन ड्रो द एक्शन ऑफ समवन इम्पोर्टेंट। मैग्नेटन नोहा थॉम्सन हिमसेल्फ वॉन्ट टू सी अस टू डिस्कस इम्पोर्टेंट बिजनेस। ओके चलो भाई गेट टू, अरे यार जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ मेरी चार्जिंग हमेशा कमी होती है भाई, कोई बात नहीं। गो टू ब्रदरहुड्स, अभी ये ब्रदरहुड्स कौन है भाई नहीं मालूम मेरे को, ब्रदरहुड्स। चलो अपने हॉर्स में बैठ जाता हूँ और चलते यहाँ से। ब्रदरहुड्स ऐसी कौन सी प्लेस है भाई, मैंने मैप में नहीं देखा भाई, लेट्स सी। ओ एक इवेंट आया, इट यूज टू बी अ स्मॉल माइनिंग विलेज, दे कॉल द ब्रदरहुड्स रिक्रेट एंड दे ओनली लेट यू इन इफ यू हैव अ पर्सनल इन्विटेशन फॉर इट्स ओनर, मैग्नेटिंग नीहो थॉम्सन। ओके ओ अभी एक न्यू लोकेशन ही आ गया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो पहले ये वाली लोकेशन थी, यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं था, मतलब ये कॉपर माइन के बाद ये डायरेक्ट ये स्टोन अपना हाउसपोर्ट था। अभी यहाँ पे एक न्यू लोकेशन आ चुकी है, चलते हैं यहाँ पे। और ये कोई इवेंट जैसे मेरे को इसमें पहले दिखा इवेंट है, लेकिन ये इवेंट जैसे मेरे को नहीं लगा, मतलब इवेंट होता है उसमें एक ड्यूरेशन टाइम होता है, आप लोगों को पता हो, इसमें ड्यूरेशन टाइम नहीं, ये जो बाकी जो चीज़ें इसकी तरह। लेट्स सी अभी यहाँ पे हमको क्या मिलता है और यहाँ पे क्या करने का होता है ब्रदरहुड्स में। अलायंस, वंस यू रीच 15 लेवल एंड कंप्लीट स्टोरी लाइन चैप्टर 3, अभी तो हम चैप्टर 3 में ख़त्म नहीं किया, अभी स्टार्ट ही किया हमने। यू कैन यूनाइट विथ अदर प्लेयर्स इन अलायंस। ओ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ओ काफ़ी हॉर्स है यहाँ पे, मतलब अभी जब हम ये अपना जो चैप्टर 3 चल रहा है अगर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, सो अभी हम मैं अभी आप लोगों के साथ भी खेल सकता हूँ, आप लोगों के साथ भी मैं अलायंस में बना सकता हूँ और अदर प्लेयर्स के साथ भी, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब बात है। अभी तक तो भाई हम क्या खुद के ही ग्राइंडिंग कर रहे थे, अब दूसरों के साथ हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। सो अभी हमारा मिशन है थॉम्सन के साथ बात करना, सो चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी अदर चीज़ें भी है, और यहाँ पे एक डॉक्टर है कोई, और यहाँ पे तो भाई बहुत कुछ है भाई। या पहले मैं पूरी जगह देख लेता हूँ फिर इससे बात करता हूँ भाई, बहुत ही अच्छी जगह है भाई, मतलब देखने में तो ये ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा। अभी हल्का सा लेग हुआ क्योंकि या बस मेरा डिवाइस भाई ऐसा ही है, क्या करें, कोई बात नहीं देख ले भाई। जगह तो इन लोगों ने बहुत अच्छी है, मतलब या ये लोकेशन बहुत अच्छी है, पर ये आई थिंक ट्रेन जैसा है, या ट्रेन ही यहाँ पे, मतलब ट्रेन का जो स्टेशन होता है वही है। यहाँ पे एक बंदा है और क्या है यहाँ पे, और बस ओ ऊपर जा सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर, नहीं जा सकता भाई, अटका दिया इसने मेरे को।
जाने देना, जाने देवे जी भाई। चल चल जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे मेरे को लगा मैं अभी यहाँ यहीं पे फंस गया, लेकिन अब निकल गया हम, अच्छी बात है। चलो बात कर लेते हैं, यही अपना थॉमसन भाई है, जो कि थोड़ा मेरे को बूढ़ा जैसा लग रहा है, हेड ऑफ द ब्रदरहुड्स। ओके बात कर लेते हैं इस बंदे से यार, इसका चेहरा मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ओ बी वेटिंग फॉर एज, I am head of your dales, end of the found bandages document as well. I can help in your sister search, and your help me alone with other nice people. Okay, मतलब ये बंदा अभी हमारे साथ डील कर रहा है कि डील तो नहीं कहेगी, अभी ये बंदा अपने को कह रहा है कि हमें, मतलब ये बंदा अपनी सिस्टर को ढूंढने में हेल्प करेगा, और ये मतलब हमको इसके बदले में कुछ उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ कह रहा है ये। लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट माइनिंग टाउन सराउंड यू, इट्स द ब्रदरहुड्स हियर दैट अ कम्युनिटी ऑफ पीपल विल टू टर्न द वेस्ट इनटू अ प्लेस विदाउट वायलेंस एंड लोनलीनेस। यही लिखा ना, या फिर मैं गलती प्रोनाउंस कर रहा हूँ लास्ट का जो वर्ड है वो, मेरे को बता सकते हो तुम लोग कमेंट में कि मैंने क्या गलत प्रोनाउंस तो क्या है कि नहीं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रदरहुड्स, इट्स डेंजरस बी वेड बट इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस। गो अराउंड टेक अ लुक, यू मस्ट लाइक वॉट यू सी। ओके मीट नीहो थॉमसन, वो वाला आपने कर लिया है। इट्स ट्रू आउट डेट मिस्टर नीहो थॉमसन वुड टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट, होपफुली ही हेल्प अस आउट विथ द सर्च ऑफ मोली। कंप्लीट हो गया अपना। टॉक टू फॉर मी मैन थॉमसन सजेस्ट टू जॉइन द ब्रदरहुड्स एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग टू हिम सेट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। आई शुड लुक अराउंड एंड हेल्प माई पोलाइट ब्रदर्स। ओके मतलब अभी हम अच्छे बंदे बनने वाले, मतलब पहले भी अच्छे बंदे थे यहाँ पे। टॉक टू डॉक्टर, ओके यही अपना डॉक्टर था, इसका नाम है इंग्लिश ओ कॉर्नर। अभी मेरे को पता है कि मैंने 110% मैंने गलती प्रोनाउंस किया होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, वीक इंग्लिश। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी इंग्लिश को बेटर करने का, लेकिन अब टाइम लगेगा उसमें, मतलब काफ़ी। ओ फाइनली ब्रदरहुड थॉमसन टोल्ड डेट यू आर कमिंग ओवर, वी आर बिल्ड द लेबोरेटरी। अबे यार मैं प्रोनाउंस क्यों नहीं कर सकता, मतलब पता है क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में होता है वो, लेकिन मैं अपने मुंह से मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। जैसे कि कुछ कुछ आप लोगों को ऐसा वर्ड होता है कि जो आप लोग बोल नहीं सकते, वैसे ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता ठीक से। मेरे को पता है इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते, लेकिन यार मैं कर नहीं पाता कभी कभी। लेबोरेटरी देखा, द बेस्ट वन इन वेस्टलैंड, द एंटायर ब्रदरहुड इज एंगेज इन बिल्डिंग, एवरी वन डूइंग देयर पार्ट्स, हु डज नॉट वॉन्ट टू गेट हेल्प फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसन। हेल्प विथ बिल्डिंग द लेबोरेटरी, अब मैं आई थिंक फिक्स है प्रोनाउंस के लास्ट बार, लेबोरेटरी एंड द ब्रदरहुड विल हेल्प यू। ओके मतलब अभी हमको इस लेबोरेटरी को बनाने में अपने को हेल्प करनी है, और ये ब्रदरहुड वाले बंदे मतलब अपनी हेल्प करेंगे अपना जो अपनी सिस्टर जो मोली है उसको मतलब रेस्क्यू करने में, सर्च करने में। द ब्रदरहुड नीड्स मटेरियल टू
बिल्ड द लेबोरेटरी विल ट्राई टू गेट इम ओके कंप्लीट लेबोरेटरी देखते ओके इसमें मतलब बस अपने को 20 ओक वुड्स चाहिए और 20 ये वाली जो प्लांट है वो चाहिए टायर टू की जो मेडिसिन हब है वो और ब्रोंज की नील्स चाहिए और ये वाला मतलब ब्लॉक चाहिए। ये वाले ब्लॉक तो है मेरे पास और ये वाली मेडिसिन मेरे को ढूंढनी पड़ेगी और ओक वुड्स की मेरे को बहुत ज़्यादा अभी कभी कमी पड़ रही है क्योंकि जो मैं अपने स्टोरेज से उस सबको मैंने अपग्रेड किया है रिसेंटली। सो या मेरे जो सारे जो ओक वुड्स है करीबन करीबन 120 या 100 थे मेरे वो सारे मतलब अभी खर्च हो चुके और अभी 12 ही बचे और ये ब्रोंज नील का भी यही हाल था। तो यस ये सब तो मेरे को क्राफ्ट करना पड़ेगा और टाइम लगेगा तो इसको तो हम कर लेंगे कोई बात नहीं दिक्कत मत लो। और अभी हमको एक और बंदे से बात कर रहा था ना या ये फोरमैन से बात करना था है ना यहाँ पे सैलोन में है ये ओके बात कर लेते इस बंदे से। हियर आर आवर ग्रेट शूटर्स कमिंग बैक व्हाट आर दे कॉल ब्लैक स्क्रीव्स हाँ वी डू नॉट प्रेडेंट टू बी अ बैंडेजिस इन आवर ब्रदरहुड्स वी किल देम ऑलराइट वी सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर ईच वन ऑफ यू विल गेट इट्स ओन टास्क द बैंडेजिस गैदरिंग इज कमिंग अहेड यप द वन फॉर द नॉट फॉर यू यू फाउंड दैट इज वाई द बैकअप वॉज हेडिंग फॉर द ईस्ट मिशन एंड इट वेंट मिसिंग इन ओक फॉरेस्ट। आई थिंक हमको ओक फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। हे या ब्लैक स्कार्फ यू गो ऑन फाइंड देम एंड डील ओ इससे हमको ये वाले जो ओक के सीड है वो मिलेंगे क्योंकि अभी हमको काम आएगी अभी से ही। अ ग्रुप ऑफ न्यू रिक्रूट वॉन्ट मिस इन ओक फॉरेस्ट इट्स अ ड्यूबलेट फूल दे गोट लॉस और अभी हमको मिला एक्सप्लोर ओक फॉरेस्ट न्यू ओके मतलब अभी हमको ओक फॉरेस्ट में जाना है और हमको वैसे भी ओक फॉरेस्ट में ही जाना था क्योंकि जो हमको ओक लॉक्स भी हमको लेके आना है कोई बात नहीं वो तो हम ले लेंगे। और ये वाले घर में क्या है कुछ नहीं है ये टेंट में भी और यहाँ पे कुछ बंदे लोगों से बात कर सकते नहीं। सो देख लेते अभी हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले पेरिस से बात करते हेल्पिंग द ब्रदरहुड्स ये तो हमारा हो चुका है आई थिंक या हेल्प नहीं ये अब हमको करना है हेल्प द डॉक्टर एंड हेल्प फोर मैन ओके तो डॉक्टर की हेल्प क्या है हमको क्या करना है हमको कंप्लीट करनी है लेबोरेटरी की जो बिल्डिंग है उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए हमको ओक वुड चाहिए और वो ब्रोंज की नील्स चाहिए और वो ब्लॉक्स चाहिए और हमको चाहिए वो मेडिसिन और उसमें से हमको मेडिसिन और ओक बोर्ड्स ओक के जो बोर्ड्स है वो हमको जो ये वाला जो मिशन है उसको फिनिश करने में मिल जाएगी। सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना मिशन या तो नहीं एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले अपने घर जाके आता हूँ और जो मेरी इन्वेंटरी थोड़ी खाली करके आता हूँ और मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ ओक फॉरेस्ट में। और राइटिंग ओ भाई क्या ही मतलब ये घोड़े में आया भाई क्या ओपी लगा मेरे को ओके और राइटिंग गाइस हम आ चुके हैं फाइनली ओक फॉरेस्ट में और हल्का हल्का बफ हो रहा है मेरी गेम कोई बात नहीं। और अभी हमको यहाँ पे एक तो देखो हमको ये पूरा ओक फॉरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करना है और हमको ओक फ्रूट्स और वो भी चाहिए अपने को। और सबसे पहले अब आज वीआईपी डे है तो जब ये एक अच्छी चीज़ हमको मिलती है कि हम सेट कर सकते हैं हमको क्या क्या ऑटो मोड में ग्राइंड करना है क्या क्या नहीं। तो मैंने टायर वन की सारी चीज़ें को मैंने ऑफ कर दिया अभी के लिए तो। और यहाँ पे बैंडेजेस का ग्रुप लग रहा है मेरे को सामने नहीं वुल्फ है ये तो हाँ भाई तो ऐसे फसल है दिक्कत की बात नहीं है मेरे को। इतना चुभने लगा हूँ सबको
छुरा तो नहीं हूं, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। तब तक के लिए हम इसका ये लूट लेते हैं, और हमको ये हब मिल चुकी है, अच्छी बात है। चलो एक काम अपना हो गया, और एक काम करता पहले मैं ना एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर मैं ग्राइंडिंग करूँ एक साथ। अबे ये रेडर से देखा ही नहीं मैं, कब आ गया। गया लो एक और रेडर। बेटे तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने, मेरे पास टायर 4 की ये गन है, दो ही शॉट में मरोगे तुम लोग तो। बॉन्ड कैट है, और ये बंदे ने हमको कहा है कि एक्सप्लोर द ओक फॉरेस्ट, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा ऐसा हमको। ओके ये बंदा तो होता ही है। चल भाई आजा लड़ाई करने भाई तू, मेरे को पता है ये लो बंदा फाइट करेगा। कब करेगा फाइट भाई तू? शीट इसको नहीं माना था मेरे को, है ना। चलना भाई, ओके कर रहा है। गया लो, क्या है भाई। ओके एक ब्रॉन्ज स्किन मिल चुकी है, अच्छी बात है। गुड फाइट, थैंक यू फॉर, आगे क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि बहुत जल्दी निकल गया वो। ओके लेट्स सी अम्पी, हमको यहाँ पे क्या मिलता है। यार ऐसा कुछ तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे तो। उसने एक्सप्लोर करने को बोला लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्सप्लोर क्या करने का भाई। ये डिस्ट्रॉयर है बस, नहीं यहाँ पे बंदे हैं थोड़े, अभी जस्ट मैंने देखा, आप मैप में देख सको यहाँ पे बंदे हैं ग्रीन वाले। आई थिंक हमको इन लोगों को रेस्क्यू करना है या भाई, एक ही शॉट में जा रहे हैं ये लोग तो, क्या ही बोले। इन लोगों को मतलब हमको करना था रेस्क्यू, बात कर लेते इन लोगों से। यू आर फ्रॉम द ब्रदरहुड राइट, थैंक गुडनेस माय प्लेयर्स हैव बी अनसर्व्ड, माय एफलोक इज यंग एंड अनएक्सपर्ट एंड फ्रैंकली आई एम वर्स्ट बट नॉट अ गनस्मिथ। और ये डिस्टोर क्यों आया यहाँ पे मेरे को नो आइडिया। हाँ भाई क्या मजा आया तेरे को मेरे को हिट करके, क्योंकि तू एक ही बार हिट कर पाएगा आगे नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा मेरे को तू बात करने देता है। हाँ भाई वापस से बात करते हैं भाई इसे, शूट अबे बात करनी है भाई। अभी ये तो हो गया था, ओके यहाँ पे थे हम। माई एफलोक इज यंग एंड अनएक्सपर्ट एंड फ्रैंकली आई एम वर्ड स्मिथ बट नॉट अ गन स्मिथ, सो थैंक्स फॉर सेविंग मी, योर हेल्प इट मीन्स समथिंग, इट्स अ सिंग। अबे प्लेयर तुम लोगों की तुम देख नहीं लो मेरे पास कितना ये है लेवल, आ जाते हो लड़ने। और ये क्या ग्लिच है, मैं इस बंदे को गन क्यों दिखा रहा हूँ भाई। हाँ यहीं पे थे ना, इट्स अ साइन दैट वी कैन रिलाई ऑन ब्रदरहुड्स। थैंक यू, हमारा मिशन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और आई थिंक यहाँ पे और कुछ करना है क्या। ओके ये लोग तो चले जाएंगे, लेट्स बैक सेफली गो, ऐसा ही कुछ ये बोला क्योंकि मैं सुना नहीं। और इसके बाद से हमको थोड़े से कौन मिले है, और ये सब हम उठा लेंगे वैसे तो। और ये हेड्स वेड्स हमको मिली, ये सब भी उठा लेंगे हम सही। और ये सब मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्राइंड करने के बाद मिलता हूँ। और राइट गाइस अभी हम अपने रेंज पे तो आ चुके, ओक फॉरेस्ट में हमने सारी लूट कर ली, आप लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा लूट की यहाँ पे। और ये सब मैं ग्राइंड करने के लिए डाल देता हूँ, जो कि मैं ओक के लॉक्स लेके आया उसको मैं ओक के बोर्ड्स में बना देता हूँ। और या मैंने कल इसको भी अपग्रेड कर दिया था अपने कारपेंटर टेबल को, लेवल 4 का मैंने कर दिया। अभी हम एस के बोर्ड्स और ये वाला बो बना सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और अभी हम डाल देते हैं अपने ये वाले जो ओक के बोर्ड्स से सारे बनाने के लिए, और ये इतने इनफ रहेगा अभी के लिए। और थोड़े से ये भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और जो बाकी का सामान है वो हम एक ही क्लिक में डाल देंगे अपने स्टोरेज में। आप लोग एक ही सेकेंड में देखो, और ये ऑलमोस्ट सारा सामान चला गया, बस अपना ये
जो लेदर का जो स्टोरेज है वो फुल है। और अभी हमारे पास ओक बोर्ड है काफ़ी सारे, सो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस सारी चीज़ों को मैं अपग्रेड के लिए डाल दूँ, यस इन सारी चीज़ों को। लेकिन यहाँ मेरे को उससे पहले मेरे को ये वाला फ्लोर अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को चाहिए मालपा के बोर्ड जो कि मेरे पास नहीं है। सो या मैं ये सोच रहा हूँ कि ये स्टोन जो है अपना स्टोन कटर, उसके बदले मैं ये वाली चीज़ कर लूँ अपनी लेदर वाली, जो कि काफ़ी अच्छी होगी। सो कर लेते हैं इसको अपग्रेड, और इसका अपग्रेडिंग टाइम है 12 आवर्स, सो दिक्कत की बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लगा देंगे। और उसकी मदद से हमको क्या मिलेगा भाई, ओ इसका थोड़ा लुक भी चेंज हो गया ना या। और अभी उसके बाद हमको मिलेगा ये थिक लेदर मिलेगा और ये वाली रोप मिलेगी। ओके सो चलते हैं, अभी उन दोनों का मिशन हमने कर लिया है, सो उन लोगों से बात कर लेते ज़रा। ओके कंप्लीट द लेबोरेटरी बिल्डिंग, टेक द टास्क, चलो। ओके हमको ये डाल दें, ओके सबने डाल दिए, फिनिश करते हैं देख के। लैब तो हमने बना ली, ओ यहाँ पे मेरे को क्यों लग रहा है ये गैंगस्टर, अच्छा गैंगस्टर नहीं मेरे को लगा गैंगस्टर ये लोग, नहीं। अ नंबर ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन एंड हियर यू आर फिनिशिंग इट, प्रीटी एक्साइटिंग राइट। आई एम श्योर वी इम्प्रूव आवर लेबोरेटरी इन द फ्यूचर, ऑफकोर्स वी नीड मोर रेयर रिसोर्सिस बट वेल डन। ओके हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है, और हमारे दोनों ये कम्प्लीट हो चुके हैं ना अभी, या हमने इन लोगों की हेल्प दी। बात कर लेते हैं अभी इस बंदे से कि क्या कह रहा है ये बंदा अभी। चल भाई हमने हेल्प तो कर दी तेरी, अभी तो भी हेल्प कर दे हमारी। टेट्स हाउ वी लिव हियर, हेल्पिंग ईच अदर, फाइटिंग अगेंस्ट इवल, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन, इफ़ यू हेल्प टू टेक डाउन द गैंग्स ऑन द गैदरिंग, हेल्प आई हेल्प यू टू फाइंड योर सिस्टर, हेल्प यू विथ द मनी विथ द फ्यूचर। ओके बिसाइड दे गिव यू अ ग्रोली रिफाइंड एंड योर फ्रेंड रिक टू सेड डेट ही गोट इंजर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग। अबे यार हमारा दोस्त जो रिक है वो इंजर हो गया, हमको पता भी नहीं चला भाई। डू नॉट वरी द डॉग पेच हिम अप, ही बी फाइंड, ही लाइक टू टॉक विथ यू। ओके ओके ये तो हमारा हो चुका है, और हमारे रिक भाई को भाई थोड़ी सी चोट वोट लगी, तो ये बंदा कह रहे कोई तू भाई दिक्कत, मतलब हमारे डॉक्टर उसको मतलब पूरा एकदम रैप वैप करके देंगे, एकदम रिपेयर करके। बाय द वे वो हमसे बात करना चाहता था, सो चलते उसकी ओर। गो बैक टू थॉमसन, आई वंडर हाउ द ब्रदरहुड विल थैंक मी, विल दे हेल्प मी टू फाइंड माई सिस्टर, आई शुड डिसाइड इट विथ थॉमसन। कंप्लीट, और हमको ये पम्पकिन का वो मिल चुका है, पम्पकिन वाला खाना। रिक गोट इन टू ट्रबल ड्यूरिंग द ब्रदरहुड मिशन, ही नीड सम सपोर्ट। भाई रिक क्या हो गया भाई तेरे को, हाँ गोली वोली लग गई भाई तेरे को, अच्छा लेब में अभी मैंने फिनिश किया उधर ही क्या पता नहीं, अंदर जाना है, अच्छा अंदर जाना है मेरे को, क्लिक करना पड़ेगा क्या, अंदर कैसे जाऊँ मैं, ओ चच्चे, ओ अच्छा है। अबे मैं सोचूँ यार दरवाज़ा खुलेगा, ये तो क्या ग्लिच है भाई, ये भाई वेस्टलैंड वाली टीम कुछ करो भाई इस ग्लिच का, बंदा कम से, ओ भाई क्या लगा है भाई तेरे को, पूरी भरम पट्टी करके रखी भाई। भाई तो ठीक तो है ना, बात कर लेते चलो भाई, भाई तो ठीक है कि नहीं ये बता पहले। आई वंडर वाई दे डिड नॉट टेल यू अबाउट माई जर्नी, सीट एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। बैठने, अच्छा बैठने के लिए चेयर है भाई, चेयर उठा ले भाई तू, भाई चेयर उठा ले मैं कह रहा हूँ ना, आराम से बैठ, चिल करके बैठ, मेरे को भी तेरे को भी देखना है बैठते हुए। दे सेंड मी टू एक्सप्लोर वेयर द बैंडेज गैदरिंग, विल बी गेस वॉट इट वॉज एंड एम्बूस। ओ भाई एम्बूस क्या है इन लोगों ने,
वो बैंडेजेस ने एम्बुश किया। आई गन डाउन अबाउट डोजिन ऑफ देम फॉर श्योर। आई स्वेयर ऑन माय रिवॉल्वर। भाई ओके, बंदे को एम्बुश क्या क्या। फिर अब ये बंदा कह रहा है कि मैं अपनी मतलब गन की कसम खाऊंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ओके, दैट्स अ थिंग इन द वेस्टलैंड। ओ शूट, आई लॉस्ट इट, डेट वॉज अ गुड गन, रिलेबल एंड कस्टमाइज्ड। ऑल्सो द डॉक टोल मी अनलक्की मैन टू स्टे पुट अनलेस आई हैव टू हीलिंग। ओके, सो जो लास्ट का जो वर्ड है वो मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को 110% मेरे को पक्का मालूम है कि मैं गलती प्रोनाउंस करूँगा। सो या ओके, सो ये बंदा तो भाई अभी ऐसे ही लेटा रहेगा, देखते हैं इसका मतलब क्या है। मिशन रिक्स एडवेंचर, गेट अ हीलिंग अपॉइंटमेंट फॉर रिक 10, क्राफ्ट पेपर बॉक्स गन एंड गिव इट टू रिक। रिक इज पुटिंग ऑन अ ब्रेव फेस एंड शो ऑफ, बट ही इज एज वाइट एज नाउ, ही नीड्स हेल्प, केयर इज एज गुड एज एनी डॉक्टर, हीलिंग अपॉइंटमेंट। ओके, लेट्स टेक दिस फॉर राइट गाइस। सो मैं अपने रेंज पे आ चुका हूँ, और मेरे को आते ही मेरे को पता चला कि जो अपना जो ये रिक बंधा है, जो ये हीलिंग मांग रहा है, वो और कोई नहीं, ये वाली हीलिंग है, और उसको ये 10 चाहिए, एक नहीं दो नहीं 10 चाहिए, और ये आराम करो मेरी सारी की सारी ये वाली हीलिंग ले लेगा, जो कि मैंने मेहनत से बनाई थी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अपना दोस्त है तो भाई दे देते, मतलब वो रिकवर हो जाएगा। और उसको ये वाली गन चाहिए, पेपर बॉक्स की गन चाहिए, तो देख कर आते हो उसको। और राइटी और राइटी, सो हम आ तो चुके ब्रदर रूट्स में, और जाते हैं रिक के पास, उसको ये हीलिंग वीलिंग देख। अभी अरे यार, अभी ये दरवाज़ा खुल रहा है, पहले नहीं खुला था, अभी खुल रहा है, मतलब पहले आई थिंक ग्लिच हुआ था, अब आई थिंक ठीक हो गया। भाई पेपर, अच्छा इसको मेरे इन्वेंटरी में डालना पड़ेगा क्या? क्या ओके हो गया। इज इट फॉर मी, थैंक यू, दैट्स अ रियल फ्रेंडशिप, आई नेवर फॉरगेट डेट। कोई बात नहीं भाई, तू भले ज़्यादा मेरी हीलिंग ले गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो भाई करना पड़ता है भाई तेरे लिए। हाँ, इट सेम्स आई इवन फील बेटर, होपफुली आई गेट बैक इन सेडलिंग सून। बाय द वे, आई हर्ड थॉमसन एंड फोरमैन टॉकिंग द ब्रदरहुड्स नीड हॉर्सेस। ओके, हॉर्सेस चाहिए इन लोगों। डिड यू हैव अ टैबलेट एट योर रेंज? यस, अभी अपने पास टैबलेट हो चुका है फाइनली। यस, इफ़ यू डू नॉट हियर्स अ फ्रेंडली पीस ऑफ एडवेंचर, फिक्स इट। हमको ये फिक्स करने का बोला है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी वो फिक्स है, सो ये वाला भी हमने कर लिया है। अ टैबलेट इज अ गुड थिंग, इट मस्ट बी यूजफुल सिंस समथिंग गोइंग ऑन इन द ब्रदरहुड। Everyone runs around like crazy, like about some lost weapon. Ah, damn it, why do I always get shot at the worst possible time? Okay, finally, हमारा ये वाला तो कंप्लीट हो चुका है। गन ट्रेड, टॉक टू थॉमसन। अच्छा वाह, हमको नई गन मिलने वाली है, अच्छी बात है। चलो, मतलब ये तो मतलब है अपने पास, नहीं तो नहीं, मतलब एक रिवॉर्ड में ये वाली गन मिलेगी। रिक्स रिकवरी वेरी क्विकली, बट समथिंग हैज हैपेंड इन ब्रदर रूम्स, आई मस्ट फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड फॉर सम हेल्प। ओके, चलते हम। थॉमसन मेरे भाई, क्या हुआ यहाँ पे? द मोटर गैंग अटैक द टेंट, इट वॉज अ क्रेजी वेपन फॉर द ब्रदरहुड, सिंस ब्रिचलिन इज कीप अ लो प्रोफाइल अदर
leaders are getting bored. We must recap the cargo, otherwise the brotherhoods would not be able to attack the bandages gathering. Vana, get your lost sister back. Get my dread back. क्या करना है भाई अभी? Dread updated. Get to hijack train. Go after the train. Take by bandages. Gun them down. Save the cargo. That's nothing if their family stuck. Okay, हमको मतलब एक ट्रेन हाईजेक हुई है, उसको मतलब हमको वो करना है, बचाना उन लोगों को, बंदों को जिन लोगों ने हाईजेक किया, मतलब बैंडेज, इससे हमको बंदों को बचाना है। चलते, और आई थिंक मेरे को लगता है कि आज ही हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे। सो या ये बहुत ही लंबा एपिसोड होने वाला है। ओके, इवेंट आ चुका है। द गन ट्रेंड वॉज कैप्चर्ड बाय द होटल मैन। गेट ऑन द ट्रेन एंड रिकैप इट। ओके, चलते। हाई चेक ट्रेन में जाना है, और ये 40 लेवल का मिशन है, जो कि हम कर सकते हैं इजीली। अभी भी अपने पास हॉर्स आ चुका है ना, जब से मतलब हमारी स्पीड जो हो चुकी है ना, मज़ा आ जाता है। चलते यहाँ पे। ट्रेन की साउंड आ रही है भाई, चलती हुई ट्रेन की साउंड। ओ भाई, हमारा होश तोड़ रहा है भाई। क्या मिशन मिल रहा है भाई अपने को, बहुत ही ओपी वाला। और मैं हीलिंग नहीं लाया यार, शिट गाय, हीलिंग लाना ही नहीं, मतलब मैं हीलिंग लाना ही भूल गया, बताओ ये दिक्कत वाली बात हो गई यार। काश में हीलिंग लाया होता, अभी दिक्कत होगी ना इधर, इधर हीलिंग मिल जाए प्लीज़ मेरे को। पानी की बोतल मिल रही यार, सी भाई ऊपर से जाना है। ओ भाई क्या ही एक्शन, ऊपर से जाना अपने को, लेट्स गो बड़ी शूटर है भाई। यार मेरे को हीलिंग लानी चाहिए थी यार, अभी भी मैं कह रहा हूँ। गेट डाउन, और अंदर एक चेस्ट है, ये मैं लूट के आता हूँ भाई। ये वाली थी ना, या इसमें से आई थिंक मेरे को हीलिंग मिल जाए तो अच्छी है भाई। इतने सारे बॉक्स पड़े भाई, कहीं से भी हीलिंग बोतल है भाई, तो अपने कोई काम आएगी, वरना अपनी पी ली जाएगी यार यहाँ पे। और डैमेज नहीं खाना यार मेरे को, क्यों खा रहा हूँ हमें, क्या का डैमेज। सामने मेरे को वापस कहीं निकल दिख रहा है, और उससे पहले अबे जंप नहीं करना था। वापस आ, वापस वापस, नीचे कूद, नीचे कूद, नीचे कूद, नीचे कूद, नीचे कूद, आराम से। वो उस बंदे की दिक्कत नहीं, वो मर जाएगा तो भी चलेगा। पहले लूट कर लो भाई, लूट इज इम्पोर्टेंट देन मिशन। ओके, हमको ये बेरीज मिल चुकी, खा लेंगे भाई, थोड़ी सी अपनी हेल्थ बढ़ेगी। लेट्स गो, चल बेटे अभी मार दे। अरे जंप किया भाई, गजब। अबे सबका मार दिया अभी उसने, गंदा मार रहा है अपने को। भाई बच गए भाई, क्या ही बचे हम। बहुत ही गंदा बचे हम। देखिए चलते अभी यहाँ से, एग्जिट करना है वापस के ऊपर चला मैं, क्या करना है। ओके एग्जिट, ग्लोबल मैप में आ गए यार हम, क्यों भाई। और अभी हमारे पास हीलिंग नहीं भाई, अपने को हीलिंग चाहिए। मैं यार बिना हीलिंग के आ गया, पता है मेरे को लगा उधर ही मिशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, चलते वापस। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ही मैं अपने हॉर्स को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन या कर लेंगे इसका भी कुछ हम। ओके बड़ी, हमने तेरा मिशन तो कर लिया, लेकिन तू हम लोग को थोड़ी हीलिंग तो दे दे भाई, अच्छा होगा हमारे लिए भी। वो डॉक्टर किधर गया भाई, डॉक्टर, डॉक्टर साहब दोगे क्या? Nope. क्या? अबे यार तू भी काम ही काका है डॉक्टर। Now we have engaged the weapon to end with this once and for all.
एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर सिस्टर ऑफ कोर्स या लाइक आई प्रोमिस्ड आई ऑलवेज कीप माई वर्ड बट फर्स्ट वी नीड अभी क्या चाहिए भाई तेरे को अभी क्या फिक्स करना है भाई इतने तो मैंने आज मिशन कर लिया इतना लंबा तो वीडियो हो गया गैस वीडियो इतना लंबा हो चुका आप बस मेरे लिए एक चीज़ कर लो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार इस रियली मीन्स लॉट फॉर मी इट इज़ रियली मोटिवेट मी फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट और या आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं ये सब सो या अभी आगे बढ़ते बट फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्टली फिक्स वन लिटल थिंग एक्सेप्ट यू एंड रिंक इन टू द ब्रदरहुड दिस इज द राइट मोमेंट फॉर दैट द ब्रदर्स नीड अ रिमाइंडर ऑफ हु वी आर स्टे हियर द जॉइनिंग सेरेमनी इज अबाउट टू स्टार्ट ओ जॉइनिंग सेरेमनी नाइस बे आई थिंक हम इन लोगों को ज्वाइन करने वाले ओके सो अभी हमको इसमें क्या करना है स्टैंड अमंग अ न्यू रिक्रूट अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ ऑल माई फीलिंग द ऑपरेटिंग टू जॉइन द ब्रदरहुड्स फॉर द सेक ऑफ बेटर लाइफ द फ्यूचर ऑफ द दिस आईलैंड एंड सेविंग मोली टेक अ क्विस्ट ओ यहाँ पे बंदे आ गए ओके यहाँ पे खड़े रहना अपने को ओ भाई सिनेमेटिक और मेरे को ऊपर नहीं दिख रहा है ये लोग क्या बात कर रहे टू फाइट द बेटर डेट्स वाई वी ऑल ब्रदर ये बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे आई थिंक हम न्यू मेंबर बन गए वेलकम टू ब्रदरहुड्स हैंड शेकिंग ओ ये क्या ही मोमेंट बात कर लेते हैं भाई परवान रिक भाई तो चला गया भाई बहुत जल्दी आई बिलीव यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन द ब्रदरहुड्स एंड आई एम रियली रॉन्ग द बैंडेजेस गैदरिंग इज टुमारो वी जस्ट बस द बैंडेजेस लीड ऑल एट ओन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ब्रिचलिन हैज टेल अस where to find Molly okay go to the salon you have some fun Rick brought everyone there they are waiting just for you okay bhai bahut paise mil le nahi ek hi bar mila hai na I think go to silhouette on the brotherhoods want to the salon to have some fun before the attack on the bandages I would not mind to join take the quiz okay I think humko silver town mein jana hai bhai aaj to bhai bahut zyada hum ghum liye na to par mere paas healing bhi to nahi hai so mar chapter 3 I think hum khatam karne wale hai ya fir iske baad fight hogi to bhai main part nahi lena chahta hu लेकिन चल के मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि सिल्वर टाउन में क्या होगा क्योंकि अभी ना मैं उस मूड में आ चुका हूँ कि भाई मेरे को अभी पूरी स्टोरी जाननी क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा ही डीप में हो चुका हूँ चलना भाई क्या दिक्कत है तेरे को ओके लैग हो रहा है मेरी गेम पता नहीं क्यों और हर बार मतलब नेट ही होती है सो मेरे को आई थिंक अपने एडिटिंग में गेन भी बढ़ाना पड़ेगा गेन गाना जो भी बोलते हैं उसको भाई क्या ही भीड़ लगी यहाँ पे तो लेट्स सी ओ देयर यू आर फाइनली आई एम इवन मेड अ टोस्टेड टू यू लेट्स दिस अटैक ऑन द गैदरिंग टुमारो गो एज स्मूथली एज योर ट्रेन राइड ओ इसको पता भी चल भी गया हमने अभी वो ट्रेन के साथ फाइट कर गया मतलब ट्रेन में ऊपर चढ़ के मेरे को लगा वो थोड़ा लंबा खींचेगा लेकिन वो लंबा नहीं खींचा मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया वो अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास हीलिंग नहीं थी और यहाँ पे बस मैं अभी यही होप कर रहा हूँ कि इधर फाइट ना हो बस मेरे को अपने रेंज पे जाने दो तैयारी करने के लिए क्योंकि भाई मेरे पास अभी हीलिंग है ही नहीं ना आर्मर है ना हीलिंग है कुछ नहीं है कांग्रेस इट वॉज अ मास्टरफुल जॉब आई इवन एवर लुक ऑल आइज ऑन यू
टेट वन ओ टेट्स सारा इट लुक लाइक सी वॉन्ट समथिंग फॉर फ्रॉम यू. अच्छा मेरे से बात करना चाहती है क्या लड़की? हाँ जी लेडी, क्या बात करनी है जी आपको? ब्रिचलिन बैंडेजेस कम हियर, थैंक गॉड आई मीट यू. दे प्रोबेबली फील लोनली एंड आई कुड नॉट टेक हाइड इन मोन्यूट्रेंस एनी मोर. डोरा वेंक्ड एट मी हिटिंग टू फाइंड यू. दे मस्ट क्वाइट वेयर मोली इज राइट. If you nailed them down, they will tell you everything. They are at a stabling going to leave. Just so you quiet, there are many of him. Take a friend, a trust one. Okay, ये तो complete हो चुका है. अटैक बैंडेजेस बाय स्टेबलेट टू. ओके सो अभी हमको क्या करना है? ओके पहले हम अपनी ये बढ़ा लेते हैं स्पिरिट लेवल और देखते हैं. द ब्रिचलिन बैंडेजेस आर इन द टाउन. आई वांट गोट समथिंग टू से टू देम. लेट्स टेक दिस क्विज. ओ इन लोगों के मतलब गुंडे इधर टाउन में ही है. तो चलते दो ही बंदे इसमें. ये तो कह रहे अटैक बैंडेजेस बाय दस्ट. तो ओ यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं अटैक. आ जाओ भाई, एक एक हिट में गए ये लोग तो. भाई बचा लिया भाई तेरे को तुमने. ओ ब्रेचलिन बैंडेड हे डू नॉट शूट. आई सरेंडर. आई डू नॉट वांट टू डाई. तो बेटे तो तुम लोग गुंडे बनते ही क्यों ना हो? तुम लोग में गुदा नहीं है तो भाई सरेंडर ही करना चाहते हो है ना? उसका चल तुम मर जाता भाई. लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी यहाँ से तू अपने को वो भी तो देगा. क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन. व्हाट डू यू वांट? द प्रोफाइलिंग मोली. यस सी इज हियर. सी इज नॉट डूइंग सो वेल. ब्रेचलिन इज क्रूल. I show you our camp on the map, so you just let him go or right. Dr. Rick. तो अभी आई थिंक वो बंदा अपने को वो उसकी लोकेशन दिखाएगा अपने ब्रेचलिन की. लेकिन वो वाला मतलब पार्ट तो हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम रिक से बात कर लेते भाई. Look, the operation is tomorrow. We cannot leave everything and go somewhere just like that. The boss would not like it. भाई वो हमारा बॉस भी बन गया. कोई नहीं, वैसे तो वो मतलब ब्रदर उसका लीडर है तो वो मतलब बॉस ही हुआ. हम उसके अंडर काम करते तो या कह सकते उसको बॉस. We are in the brotherhood. It's much more important. I see that. I cannot talk you out of it. Oh sorry, I'm gonna pass this time. Lamb, tell a cover story to Thompson. Explain what why and how he got understand. And you go ahead, rescue Molly and come back to the brotherhood base. I see you there. Okay, so अभी हमको खुद को मतलब मोली को बचाना है, रेस्क्यू करना है और उसके बाद हमको ब्रदरहुड में जाना है मतलब बेस में. लेकिन आज तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे. सो यप, आज का ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे ब्रिचलिन के कैंप में और हमारी सिस्टर मोली को मतलब लेके आएगी और हम हमारा ये चैप्टर 3 फाइनली मतलब कंप्लीट करेंगे. सो यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसे मतलब अमेजिंग से वीडियो देखना चाहते हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और जिन जिन लोगों ने अभी तक मतलब सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही, वो लोग भाई अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये वाली चैनल शेयर कर दो या वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि उन लोगों को बोलो भाई सब्सक्राइब करने का. क्योंकि भाई
सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर कमेंट और लाइक से भी क्लियरली मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। You find out where they are.